बिजनेस का जो रूट्स है वो दोस्तों फर्स्ट परचेजिंग है। अगर आप नए लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराओगे तो नेटवर्क क्रिएट कैसे करोगे? रीपरचेजिंग आप तो जब ही लोगों को करा सकते हो जब दोस्तों आपके पास एक टीम होगी। अगर दोस्तों आपके पास टीम ही नहीं है तो दोस्तों आप रीपरचेजिंग कैसे लोगों को कराओगे? इसलिए हम लोगों को फर्स्ट परचेजिंग में आप जितने ब्रॉन्ज से एंड एवर बीडर्स हैं दोस्तों आप लोगों को भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान, टॉकिंग टैड और दोस्तों कुकर जैसे प्रोडक्ट हुआ, 3 फुट लेंथ का प्रोडक्ट को दोस्तों आप लोग मुहिम बनाइए और इसी पर लगातार फर्स्ट परचेजिंग पर दोस्तों आप लोग बिजनेस करिए। रैंक इनकम के लिए CCC प्लान पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो 100 BV का रीपरचेजिंग अगर आप नी ज्वाइनिंग से साथ साथ लेकर के चलते हैं, फर्स्ट परचेजिंग और रीपरचेजिंग दोनों साथ साथ लेकर कर चलते हैं तो आपको साथ साथ इधर से आप ब्रॉन्जी से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड भी बनते चले जाएंगे और उधर दोस्तों आप फ्रेशर से सॉरी रैंक 1 से लेकर रैंक 2, रैंक 2 से रैंक 3 वो भी दोस्तों साथ साथ बढ़ते जाएगा और एक ही काम का दोस्तों आप 10 प्रकार की बेनिफिट्स लगातार लेते चले जाएंगे। ये बात आप समझ जाइए दोस्तों। बार बार आपको बताया जा रहा है, फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि रैंक इनकम जो हुआ, चाहे कार फंड हुआ, किसी भी रैंक पर पहुंचने पर एक बार ही मिलेगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है क्या सर हर महीने इनकम मिलेगा? तो अगर आपको 18 रैंक है तो 18 बार ही आपको इनकम मिलेगा। अगली रैंक पर पहुंचने पर उस रैंक का निर्धारित रैंक इनकम और ट्रेवल इनकम, कार एडवांसमेंट सभी एक बार मिलेगा एक। लेकिन तो 18 बार का इनकम आपको लेते लेते कम से कम 50 करोड़ से ऊपर का इनकम पहुंच सकता है दोस्तों। इतनी बड़ी पावर है ये दोस्तों आपका लेवल्स इनकम में, रॉयल्टी इनकम में। बहुत सारे लोग को एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी आप 1 अक्टूबर से हम लोग नए प्लान में आ चुके हैं, 1 अक्टूबर से अगर आप ब्रॉन्जी हैं तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा आपको कम से कम 2 महीने के अंदर में 40 BV का प्रोडक्ट, सॉरी 45 BV का प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा अगर आपको रैंक इनकम क्वालिफाई करना है। पहले वाला 20 BV जो नियम नया बनाया हुआ है वो एक बार वन टाइम पूरे जीवन में लेना है, वो 20 BV तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा, चाहे वो ब्रॉन्ज हो चाहे दोस्तों क्राउन यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर हो। और एक बार दोस्तों उसके बाद आपका जो 25 BV का प्रोडक्ट है अगर आपकी बजट बनती है तो ले लीजिए, अगर बजट नहीं बनता है तो आप अपना 5 BV ले लीजिए, काम खत्म। और बाद में फिर दोस्तों एक 20 BV प्लस 5 BV ले लीजिए और बाद में नवंबर के बाद फिर 20 BV ले लीजिएगा, 25 BV ले लीजिएगा वहां से। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको समझो, नहीं तो क्वालिफाई करेंगे और जितने ब्रॉन्जी जुड़े हुए हैं आप लोगों ने दोस्तों एक ही अपनी टारगेट सेट करिए कि इस बार हम सब लोगों ने रैंक 1 किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है, इसका दोस्तों मिशन बनाइए। अच्छा रैंक 1 जब क्वालिफाई करेंगे आप तो ऑटोमेटिक आज आप ब्रॉन्जी हैं दोस्तों, सारे लोग सिल्वर को पार करके प्लैटिनम पर जाकर के पहुंचेंगे जितने ब्रॉन्जी हैं। और अगर सिल्वर रैंक को क्वालिफाई करता है तो दोस्तों आसानी से प्लैटिनम को क्रॉस कर जाएगा, और प्लैटिनम रैंक को क्वालिफाई करता है तो दोस्तों तो वो भी दोस्तों आगे अपना पहुंचेगा। बात समझ में आप लोग आ गई होगी दोस्तों। और ये ध्यान रखिएगा कि 3500 से ऊपर का ही प्रोडक्ट ले ताकि दोस्तों आपका इनवाइस पर कोई चार्ज ना लगे। 100 और 1000 से बीच का प्रोडक्ट लेंगे दोस्तों तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। यदि कोई डायरेक्ट सेलर 1 महीने में 1 से अधिक रैंक अचीव करता है तो उसे सभी रैंक का रैंक इनकम, ट्रेवल कार एडवांसमेंट इनकम एक बार मिलेगा। क्लियर कर दिया, कूपन वाला पैसा पर दोस्तों कोई भी आपको बीवी नहीं मिलेगा, वो आपका रीपरचेजिंग में आप उसको दोस्तों ओनली फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं, 25% जो राशि कूपन के रूप में मिलेगा। याद रखिए कूपन के राशि के माध्यम से खरीदे गए प्रोडक्ट पर किसी प्रकार की कोई पे आउट का पत्रता नहीं होगी क्योंकि इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, तो कोई भी बिजनेस वैल्यूम जनरेट नहीं होगा। मतलब अगर आपका 20% कूपन मिलता है तो हम उसका प्रोडक्ट खरीद करके
वो प्रोडक्ट्स को हम रिटेल में बेच करके दोस्तों मनी फॉर पैसा कमा सकते हैं। और ये आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, आप देख लीजिए ब्रॉन्ज का 25 बीवी है और पर महीने में अगर लेते हो तो 5 बीवी है। सिल्वर गोल्ड पर्ल का ये मेरे ख्याल से सब लोगों ने आपने नोट अभी तक कर लिया होगा, 100% नोट कर लिया होगा दोस्तों। और रैंक वाइज इनकम आप देख लीजिए, अगर कंपनी 30 करोड़ की इनकम लेती है और 3000 अचीवर्स अगर रैंक वन में क्वालिफाई करते हैं तो दोस्तों आपको 68,557 रुपये आपको मिलेगा। रैंक टू पर देख लीजिए दोस्तों, रैंक थ्री पर देख लीजिए, अगर रैंक टू पर अगर आप जितना सिल्वर लेवल को क्वालिफाई करने में पैसा मिलता है उससे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर रैंक इनकम है। एक टोपाज बनने पर आप देख सकते हैं दोस्तों रैंक इनकम कितना है, एक टोपाज बनने तक आप देख सकते हैं ब्रोंजी सिल्वर प्लाटिनम गोल्ड पर्ल एक टोपाज को दोस्तों 428,571 रुपये है दोस्तों, आप देख लीजिए। और रैंक वाइज इनकम में आप लोगों को लगातार ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, 15,02,000 रुपये का दोस्तों इनकम आपका है यहाँ से। और देखिए अगर आप डायमंड बनते हैं तो आप 25,000 रुपये से दोस्तों आपका स्टार्टअप हो रहा है, इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर गए तो दोस्तों आपको डायमंड तो एक बार दोस्तों बनना ही बनना है, इस बात को दोस्तों ध्यान रख लीजिए। और मेरे ख्याल से 4-5 दिनों से चल रहा, अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट था, लेकिन 90% लोगों दोस्तों डाउट जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको दोस्तों अब डाउट क्लियर हो गया है। और लीडरशिप कंसिस्टेंसी रिवार्ड भी दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा कि हर 6 महीने में आपका मिल जाएगा। अगर कूपन दोस्तों अगर अभी एक साथ लेते हैं तो 1 वीक में भी दोस्तों आपका कूपन मिल जाएगा। टूर फंड दोस्तों अब अगला बदलने वाला है, 2 दिन और रह गया, शायद आप लोगों की टीम से अगर कोई अभी भी जीतने वाला है तो दोस्तों 2 दिन रह गया लास्ट सेल भेजने का। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप 10 प्रकार का इनकम प्लान समझिए। अब दोस्तों हम इनकम प्लान को कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, बिजनेस में थोड़ा सा आपको अब टेक्निक बदलना होगा। जैसे कि अभी आपके शहर में हम लोगों का बृहस्पतिवार को और संडे को 2 दिन ही शाम को 7 बजे का प्लान रखा गया है दोस्तों, 2 दिन 7 बजे का प्लान चलेगा, बाकी दिन आपके टॉप लीडर सोनम मैडम ने बता दिया है कि अब हम लोगों ने लगातार शाम को टाइम में फील्ड वर्क करेंगे और मैन टू मैन भी डीडी निकालेंगे। तो हाईएस्ट वर्क एथिक्स, अगर आप नौकरी में हैं चाहे कोई पार्ट टाइम और बिजनेस में हैं तो शाम के टाइम दोस्तों आप लोग कम से कम रात को 3-4 घंटा फील्ड वर्क अगर आप जेंट्स हैं तो करना पड़ेगा, और आप लेडीज हैं तो दोस्तों डे में आपको 2-3 घंटा फील्ड वर्क करना पड़ेगा। देखिए इंटेलिजेंस एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, एक शब्द लिखा हुआ है नंबर 2 पर। कभी कभी क्या होता है इस बिजनेस में, जब ही आपका लेवल चेंज होने लगेगा आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो बिजनेस में लोग क्या करते हैं कि काम पर फोकस कम कर जाते हैं और अपने नेटवर्क में लोकल पॉलिटिक्स पर फोकस करते हैं, दोस्तों उससे हमारा बिजनेस नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा यही चीज सोचना है कि हमारा चेक कैसे बने और दोस्तों मेरी टीम का चेक कैसे बने, आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए और राइट डायरेक्शन में दोस्तों अपने काम पर फोकस करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के सकारात्मक नजरिए के साथ काम करिए। और कंपनी ने जो प्लान दे दिया अब उसमें इफ बट परंतु लेकिन मत लगाइए, आंख बंद करके दोस्तों आप इस प्लान पर काम कर जाइए। कन्वर्टिंग थॉट जो सोच रहे हैं कि मैं रैंक 1 लूंगा, रैंक 2 लूंगा, रैंक 3 लूंगा, दोस्तों उसको एक्शन में कन्वर्ट करिए, शो द प्लान पर दोस्तों लगातार फोकस करिए। ऐसे दोस्तों अगर आप ब्रॉन्जी बने हैं, 20 आदमी का टीम बनाए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप बिजनेस में 100-200 लोगों तक प्लान दिखाया है तभी दोस्तों जाकर के आप ब्रॉन्जी बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हाईएस्ट मोटिवेशन आपके अंदर लगातार होना चाहिए, हाईएस्ट सेल्स टेक्निक्स जो मैं आपको लगातार मॉर्निंग ट्रेनिंग में बताता हूँ कि 200-400-600 बीवी पर अगर बिजनेस के टेक्निक नहीं ले जाएंगे, 3 आईडी जनरेट नहीं करेंगे तो आप दोस्तों कैसे लेवल को चेंज कर पाइएगा। हाईएस्ट नेटवर्किंग एथिक्स में तो आपके यहाँ आप देखिए लीडर्स मीटिंग हम आपको दे रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन दोस्तों आपका प्लान होता है, मंडे संडे को दोस्तों मॉर्निंग प्लान मैं लेता हूँ,
एक हफ्ते में दो तो 5 दिन मॉर्निंग ट्रेनिंग हम लेते हैं, तो 5 दिन, 1 दिन आपके शहर में वीकली ट्रेनिंग चलता है, बुधवार को टारगेट मीटिंग होता है। दो तो इतनी ट्रेनिंग प्लान चलने के बाद भी अगर आप सेल्स टेक्निक को नहीं समझ रहे हैं, आप नेटवर्क एथिक्स को नहीं समझ रहे हैं, तो दोस्तों आपका काम कैसे होगा। ओवरव्यू, डेली काम करने के बाद आउटपुट बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले रात को एक बार अपने पूरे काम को दोस्तों ओवरव्यू करिए कि आज मैं जो दिन भर काम किया हूं क्या उससे मैं संतुष्ट हूं, क्या इस काम को करने से मेरा जीवन बदल जाएगा। अगर नहीं बदलता है तो नेक्स्ट डे का प्लानिंग बिफोर सोने से पहले दोस्तों जरूर करिए, कल मेरा कहाँ पर प्लान है, कहाँ पे कल मेरा फॉलोअप है, कहाँ मेरा कल ग्रुप मीटिंग्स है, कहाँ मेरे को कल प्रोस्पेक्टिंग करने जाना है, कल का मॉर्निंग ट्रेनिंग अपडेट और अपग्रेड्स में मेरे टीम से कितने लोग जुड़ेंगे, ये सारी प्लानिंग्स दोस्तों बीइंग ए लीडर्स आपने दोस्तों करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी सफलता दोस्तों हासिल नहीं कर पाएंगे, बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ब्रॉन्जिंग पहले बार आए हैं, मैंने सोनम मैडम को अलाउ किया कि आप ब्रॉन्जिंग एंड एबव लीडर्स का हमारे साथ दोस्तों लगातार मीटिंग होगा। तो अगर दोस्तों इस 10 वर्क एथिक्स को अगर आप समझते हैं तो आपको बिजनेस करना दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। अब दोस्तों आप ब्रॉन्जी तो बन चुके हैं और आपने 20-25-30 आदमी को टीम भी बना दिया, हो सकता है आप सिल्वर भी बनने वाले हैं, तो दोस्तों आपके जो भी सिल्वर लेवल का लीडर्स दोस्तों कोर मीटिंग कर रहे हैं, दोस्तों आपको भी उनके साथ जुड़ करके अपने टीम को अटैच करा करके कोर मीटिंग में लोगों को शामिल कराइए, क्योंकि जब तक लोगों को लिस्ट बनाने नहीं आएगा, जब तक लोग दोस्तों अपना ड्रीम सेट करने नहीं आएगा, इनविटेशन करने नहीं आएगा, मैन टू मैन दोस्तों फोल्डर और मोबाइल से प्लान करने नहीं आएगा, जो मैंने आपको सेफ शॉप ऑफिशियल पर 33 क्वेश्चन आंसर लिखवाया है, अगर आप 33 क्वेश्चन आंसर नहीं याद करते हैं तो दोस्तों आप बिजनेस में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे दोस्तों टीम को आगे बढ़ाएंगे। हमेशा दोस्तों बेसिक फंडामेंटल्स को अगर आप नहीं करते हैं दोस्तों इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप लीडर बन गए हैं तो अपडेट्स आप अपने टीम्स का ECS मोबाइल नंबर एड्रेस और पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन कंपनी को करेक्ट भरिए, ताकि आपका एसोसिएट्स को टाइम पर दोस्तों चेक मिल सके, टाइम पर उनका प्रोडक्ट मिल सके, डिलीवरी हो सके, और पेन नंबर सही है दोस्तों तभी जाकर उनको टाइम पर TDS क्लेम साल के एंडिंग में होगा दोस्तों। इसलिए इसको आप लोगों से गुजारिश है कि इसको दोस्तों 100% सेटल करिए। जूम प्लान दोस्तों आप इंडिविजुअल गेस्ट लाइए, और दोस्तों जैसा कि आज से हम लोगों ने शाम को प्लान बंद कर दिया, हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं, तो दोस्तों मैन टू मैन प्लान पर फोकस करिए, शाम को दोस्तों फील्ड में निकलना शुरू करिए, तभी दोस्तों जाकर के आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जूम प्लान, अगर आप लीडर्स हैं सोना मैडम को नाम लिखाइए कि मैं जूम पर मीटिंग कर सकता हूं, मैं जूम पर प्लान ले सकता हूं, एक बार आपका टेस्ट होगा, और दोस्तों हफ्ते में 2 दिन का समय मिलता है, और पहले आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद फिर दोस्तों आपको प्लान के लिए बोल दिया जाएगा कि आप अब प्लान चलाने के लिए फिट हैं, आप मैन टू मैन भी प्लान चला सकते हैं, आप जूम पर प्लान चला सकते हैं, तो दोस्तों आप उसके बाद प्लान चला सकते हैं। अगर आप ब्रॉन्जी बन चुके हैं दोस्तों तो फाइन ट्यूनिंग क्या, आपके टीम में 25-30 लोग हैं, 2-4-5 तो फोन नहीं उठाते होंगे, तो 10-15 आदमी का तो फाइन ट्यूनिंग अगर आप ब्रॉन्जी हैं तो करिए, और सिल्वर हैं तो 20 आदमी को तो फाइन ट्यूनिंग करिए, अगर आपका टीम में 20 लोग जिंदा हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं जिंदा है वो सब दोस्तों आपको और हमको पता है कि हमारी गलतियों के कारण टीम जिंदा रहती है और हमारी गलतियों के कारण दोस्तों टीम मर जाती है। और जब भी आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं तो 2-3 बातें करके पूछिए कि सर नमस्ते मैडम, आपका परिवार में सब लोग ठीक ठाक है, बोलेंगे यार तो इस वीक में आपका टारगेट क्या चल रहा है, कितना बीवी जनरेट करेंगी, कितना बीवी रिपर्चेजिंग आपके टीम में होगा, क्या आप रैंक इनकम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और आप ब्रॉन्जी हैं तो अगला इनकम सिल्वर के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह से टारगेटिंग करके एक अपलाइन और डाउनलाइन का कर दोस्तों रोज रिपोर्टिंग होता है। बहुत बहुत डाउनलाइन अकेले काम करती रहती है मार्केट में और दोस्तों लगातार अपने टीम पर रिपोर्टिंग नहीं करती है, जिसके वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं वो फेलियर्स हो जाती है। डेली DD क्लोजिंग दोस्तों मैं अभी भी देख रहा हूँ, बहुत लोग का नेटवर्क में पैसा आया हुआ है, 6 दिन तक DD नहीं भेज रहे हैं, 7 दिन तक, दोस्तों आपको से जानते हो क्या नुकसान है, सबसे बड़ी दोस्तों जो नुकसान है उस बंदे का टाइम पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा। अगर टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो तो डेली DD क्लोजिंग करिए,
और दोस्तों डेली डीडी क्लोजिंग का रिपोर्टिंग आप दोस्तों अपने अपलाइन के साथ जरूर करिए कि सर आज मेरे नेटवर्क में इतना डीडी निकला है और आगे की प्लानिंग बताइए दोस्तों हमने क्या करना है। ड्यूरिंग FIM दोस्तों जब भी आप FIM करते हो आफ्टर ज्वाइनिंग तो टूल्स का प्रमोशन, अगर आपके पास खरीदे रहोगे तभी तो दोस्तों टूल्स दोगे, और 3 ID का प्रमोशन दोस्तों पक्का कर देना है। और टूल्स अगर आप ब्रॉन्जी हैं दोस्तों कम से कम 5 सेट टूल्स तो आपके पास होना चाहिए, अगर दोस्तों सिल्वर है तो कम से कम 10 सेट टूल्स आपके पास होना चाहिए, और आप गोल्ड एंड पर्ल हैं तो 20 से 40 सेट दोस्तों आपके पास टूल्स होना चाहिए। अगर दोस्तों आज टोपाज है तो 100 सेट टूल्स रखिए, जिससे कि आपको टीम को गति देने के लिए दोस्तों बिजनेस में कभी भी दिक्कत ना आए, क्योंकि दोस्तों बिना टूल्स का डुप्लीकेशन का आप सपना देखते रह जाओगे कि मैं डायमंड बनूंगा, आपको दोस्तों डायमंड बनने में बहुत गिरावट आएगी। ट्रेनिंग जूम ट्रेनिंग मीटिंग का डुप्लीकेशन प्रमोशन अपने नेटवर्क में दोस्तों लगातार करें। मैं रोज सुबह मैसेज भेजता हूं, आज मेरे साथ पैनल पर जो लीडर्स हैं 22 हैं, अगर दोस्तों अगर आप सारे लोग 5-5 आदमी को मॉर्निंग अपडेट्स में लाते हो तो आपके टीम से दोस्तों 100 आदमी आ जाता है, 110 आदमी आ जाता है। ये बात आप दोस्तों समझ जाइए, और ये बात समझ में आया तो दोस्तों आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और जैसे कि हमेशा बोलता हूं मैं कि फर्स्ट परचेजिंग दोस्तों 1000 का चेक का मिशन चलाइए अपने टीम में, और री परचेजिंग पर दोस्तों 500 का चेक का मिशन चलाइए, और आप देखिए दोस्तों आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। अब तो दोस्तों 14 तारीख को इटली टारगेट दोस्तों एंडिंग है, अब 15-16 को जो नया टारगेट आएगा वो दोस्तों आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लार्ज स्केल ऑफ बीवी मिनिमम 200 से 600 बीवी पर बिजनेस नहीं करेंगे दोस्तों आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे दोस्तों आप लेवल इनकम को चेंज करोगे। टेस्टी मनी जब भी दोस्तों आपको मौका मिलता है सिल्वर एंड अबव लीडर्स को तो आप प्रॉपर ड्रेस में आइए, अगर कहीं फील्ड में है